जय हिंद जय भारत। स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इस वीडियो में जानेंगे कि मानव संपदा पोर्टल EHRMS के द्वारा आप अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को आप अपलोड कर रहे थे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को आपको अपने अपलोड करने थे, जिसके लिए कई बार डेट जो है बढ़ाई गई। एक बार पुनः जिन सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं ने अब तक अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किए हैं, उनके लिए एक बार फिर पुनः अवसर है और वे अपना डॉक्यूमेंट अवश्य अपलोड करें। जैसा कि मैं अपने वीडियो में डॉक्यूमेंट से संबंधित किस तरीके से आप स्कैन करेंगे, रिड्यूस करेंगे और 100 KB के अंदर करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को आप किस प्रकार से अपलोड करेंगे, पूरी जानकारी मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने मानव संपदा से संबंधित वीडियो में दे चुका हूं। आप इससे संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरी तरीके से वीडियो देख सकते हैं। इतना ही नहीं, दीक्षा से संबंधित, मिशन प्रेरणा से संबंधित, इसके अलावा साइंस, मैथ, कंप्यूटर इत्यादि शैक्षिक अपडेट्स और एजुकेशनल शैक्षिक जगत से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की हलचलों से संबंधित जो भी अपडेट्स होती हैं नवीनतम, मैं उन सबको आपके सामने पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसी कड़ी में आप ये देख रहे हैं कि एक फिर से डेट एक बार और बढ़ा दी गई है। मानव संपदा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि में पुनः वृद्धि किए जाने संबंधी आदेश देखें। आप आदेश दे सकते हैं। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, पत्रांक दिया गया है और यहाँ पर दिनांक दिया गया है 22 सितंबर 2020, अर्थात कल की डेट में ये ऑर्डर जो है आपके सामने प्रेषित किया गया है, जिसमें दिया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर विभाग के शिक्षकों तथा कर्मियों का शैक्षिक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कराने जाने के संबंध में आप इसके बारे में पूरी जानकारी ये देख ही रहे हैं। ये बहुत खास नहीं है, जिसमें जो खास है कि दिनांक 22 सितंबर 2020 की जनपदवार प्रगति के अनुसार देखा गया और उससे संबंधित प्रमाण पत्रों की बात यहाँ पर आई। जिन जिन प्रमाण पत्रों को आपको अपलोड करने हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे स्पष्ट दिए गए हैं कि हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक और प्रमाण पत्र, स्नातक अंक प्रमाण पत्र, BEd अंक प्रमाण पत्र, BTC का प्रमाण पत्र सत्यापन कराने हेतु मानव संपदा पोर्टल पर इसे अपलोड कराने हैं। जिनका नहीं हुआ है उससे संबंधित है, और यहाँ पर डेट दी गई है कि उपर्युक्त कार्य दिवस जो है दिनांक 28 सितंबर 2020 तक आपको प्रत्येक दिशा में करना है। बाकी आप सभी जानते हैं कि इस तरीके की बातें आती हैं कि अगर डॉक्यूमेंट आपका फिर भी नहीं अपलोड होता है तो आपके विरुद्ध और आपके खंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध जो है उचित कार्रवाई होगी। जैसा कि आप सभी आदेश में ये आप देखते हैं, सुनते हैं, वेतन रूप दिया गया था जिनका डॉक्यूमेंट मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए थे। तो इसी प्रक्रियाओं को देखते हुए कि कुछ जनपद के अभी भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो रह गए हैं जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, चाहे उनको जानकारी तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि आज से नहीं, आज कई महीने से जो है ये अपलोडिंग की प्रक्रिया चल रही है। और इससे संबंधित मैं जब से डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया शुरू हुई तब से मैं वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, और जो भी इसमें नवीन बातें आती हैं, जो भी इससे संबंधित रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप होते हैं, मैं पूरी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी जिनका अभी रह गया है उनके लिए फिर से एक बार अवसर है और वे अपना हर हाल में 28 सितंबर तक अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लें। नहीं तो जिस तरीके पीलीभीत में आपके बहुत से अध्यापक शिक्षकगणों का जो है वेतन रोक दिया गया था, तो आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो, इसलिए आप सतर्क रहें और डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लें।